हाई हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल टैरोट 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए आज कैसा फील कर रहे हैं, उनके आज क्या फीलिंग्स थी आपको लेके, या कैसे उनकी फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं उनके आपको लेके। सो लेट्स सी गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइस उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, आपके पार्टनर्स आपके लिए आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्रेंड जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर्स जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट है हमारे पास गाइस एट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर इसके पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या फील कर रहे हैं। देन है गाइस हमारे पास प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो नाइट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देन वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है गाइस हमारे पास एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वन मोर कार्ड। लास्ट पे है गाइस हमारे पास नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो गाइज, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो नाइन नंबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाइन एंड नाइन टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे नाइन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी तरह से भी आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। एट नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मास्टर नंबर नाइन नाइन डबल नाइन। सो इस पर्सन की जो एज है वो गाइज 27, 29, 28, 21। मुझे लगता है आप दोनों सिंगल हो यहाँ तो। यस, मुझे लगता है दोनों सिंगल, यहाँ पे सिंगल्स की एनर्जी आ रही है। यस, लेकिन कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे मोस्टली जो एनर्जी आ रही है वो सिंगल्स की आ रही है। सो गाइज, आपके पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है अपनी तरफ से, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन ने होशियारी दिखाई है कि जैसे कि ये पर्सन आपसे धोखा करेगा, आप लोगों के साथ झूठ बोलेगा, तो आप इस पर्सन को पकड़ नहीं पाओगे या आप लोग तो इस पर्सन को जान नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोगों को इस पर्सन की हकीकत की समझ आ गई, तभी आप लोगों ने इस पर्सन से ब्रेकअप कर लिया, या आप लोगों ने डेफिनेटली बात करनी इस पर्सन से छोड़ दी है। और अब आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है जिसके लिए रीडिंग को आप देख रहे हो गाइज, इस पर्सन ने 100% जो है आपको चीटिंग की है, बहुत ही ज़्यादा बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चलाक है, बहुत ज़्यादा स्नीकी पर्सन है ये। दिस पर्सन इज़ अ लायर, झूठ ये बोलता है, धोखेबाजी ये करता है, ये पर्सन चालें भी चलता है, ठीक है। बट अब जो पास्ट में की है उसको लेके ये अब बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा है। इसको ऐसे फील हो रहा है जैसे ये खुद जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अटका हुआ है, अपनी ज़िंदगी में इसकी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जहाँ से ये पर्सन निकलना चाहता है। इस पर्सन की अपनी कुछ सोचें भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में या इस पर्सन की मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देख रहा है, और आप लोगों के पास अब ये पर्सन आना चाहता है। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन जो है आप लोगों को रीच आउट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है कि आपसे बात कर सके, आपको दोबारा से अपने लव की ऑफ़र कर सके, बिकॉज न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये आपके पार्टनर्स। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको रीच आउट करने के लिए जो है प्लानिंग कर रहा है, इसकी विश है कि आपसे बात करें, आप लोगों को लव प्रपोजल दे, लव कमिटमेंट दे। पहले तो चीट करके आप लोगों को गया है, बट अब वापस से सब कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है हर चीज़ को, जिसके लिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, न्यू आइडिया सोच रहा है। मुझे लगता है जैसे आप लोग अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं आप लोग, जिसके चलते हुए इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में इसकी कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं रही, कोई अहमियत नहीं है इस पर्सन की आपकी नज़र में, इसीलिए ये अब आप दोबारा से आप लोगों को लव ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। लेकिन पहले मुझे लगता है जैसे कुछ लोगों ने आपको चीट किया, और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी थी कि ये पर्सन अपने करियर पर फोकस था,
फाइनेंशली अपने आप को स्टेबल करने पे लगा हुआ था, आप लोग इस पर्सन के पीछे थे कि आपको कमिटमेंट दे, आपको कमिटमेंट दे, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कमिटमेंट देने से आपको भाग रहा था, बट अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आना चाहता है। ठीक है, ये दो सिनेरियो, एक ने चीट की है और दूसरी मुझे एक ग्रुप नज़र आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से भाग है, रिलेशनशिप में एक स्टेबल आपको ऑफर देने से भाग है, बट अब ये प्यार आपसे करता है, लेकिन उस टाइम ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा सेटल नहीं था अपनी लाइफ में या स्टडीज़ कर रहा था, तो उस वजह से ये आपको नहीं कोई सीरियस कमिटमेंट दे सकता था, बट अब ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपको आपको आने की आपके पास, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसकी विश है कि आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करे, जो भी आप लोगों के दरमियान इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि ये न्यू ऑफर लेके आपके पास गाइज आ रहा है, बिकॉज न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये आपका पर्सन जो भी है, वट एवर लवर और पर्सन। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो ये रीच आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, और आइडियाज़ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, न्यू बिगनिंग चाहता है एस ऑफ, यहाँ पे एसिस की दो एनर्जीज हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देन वी हैव 27 हेल्प फ्रॉम अबव, इस पर्सन की एज 27 हो सकती है, अगेन 9 की एनर्जी है, 999 आप लोगों के लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगल वॉच कर रहे हैं और ये पर्सन भी सिंगल है, ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से हेल्प का वेट कर रहा है। ठीक है, कि इस पर्सन की हेल्प हो ताकि आपको रीच आउट कर सके, आपसे बात कर सके। यस, ये किसी की हेल्प के हेल्प लेके भी गाइस आपको रीच आउट कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे वाटर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, मे बी आप लोग दोनों वाटर साइन हो सकते हो। फिर हमारे पास सेल्फ सेबोटैज, यस ये पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत कुछ आपके साथ आगे रिलेशनशिप में प्लानिंग कर रहा है आने की, लेकिन ये पर्सन एक तो कुछ कंट्रोलिंग है, सेकंड थिंग इस पर्सन को कुछ ना गाइस ये नेगेटिव थिंकिंग करता है, इसको कोई मैनिपुलेशन भी नहीं मैं कह सकती कि कोई इस पर्सन को मैनिपुलेट करता है, नो, इस पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग ऐसी है कि जो इसको कुछ अच्छा करने के लिए या आप लोगों की तरफ स्टेप लेने के लिए ना वो इस पर्सन को रोक लेती है। यस, कोई ऐसी डेवलिश इस पर्सन की अपनी कुछ सोचें ऐसी हैं नेगेटिव, जहाँ पे ये पर्सन पॉजिटिव सोचते सोचते बिना आपकी तरफ एक्शन लेने से रुक जाता है, क्योंकि इसकी इमोशंस अभी स्टेबल नहीं है। यहाँ पर टू की एनर्जी है, डेफिनेटली टू इज़ द नंबर ऑफ मून, तो ये ना इसकी इमोशंस अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहे, दैट्स वाई ये पर्सन कन्फ्यूज है और आपकी तरफ नहीं आ रहा। कोई शैतानी ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं इस पर्सन की सोच में जो कि इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही, जबकि ये आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, यस, यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ मज़ीद देखते हैं कि और आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। ओके, ये कार्ड आ रहा है। देन वी हैव फेथ, 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 222 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, लेकिन कुछ सोच की वजह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये पर्सन की ना अपनी सोच नेगेटिव है, जहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से ये खुद को स्टक फील कर रहा है, बट स्टिल इस पर्सन को फेथ है कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी, और आप लोगों को भी फेथ है कि आप दोनों की यूनियन होगी, आप मिलोगे दोबारा से, रिलेशनशिप में आओगे इस पर्सन के साथ। आप लोग शायद कोई एक क्रिश्चियन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के कुछ रिलीजियन में, बट इस पर्सन को स्टिल बहुत ज़्यादा फेथ है कि चीज़ें बेटर होंगी। देन है हमारे पास हाउ टीचेबल आर यू, यस नंबर 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर 9 नंबर बैक टू बैक रिपीट हुई जा रहा है, हो ही जा रहा है, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। सो ये पर्सन जो है ना कुछ अपनी लाइफ में सीख रहा है चीज़ें, और इस पर्सन ने आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, और इस टाइम अपने लाइफ में ये पर्सन गाइस बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीख रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों के साथ कनेक्शन में आके ना इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिनको पहले इसने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया भी नहीं था, ना इस पर्सन ने कभी सोचा था कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, तो वो चीज़ों को सीख रहा है। यस, सो लेट्स सी आपके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप ब्लॉक सिचुएशन है, इसके पार्टनर्स की क्या फीलिंग है उनके लिए। देन वी हैव पैशन, यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके, दैट्स वाई यूनियन करना चाहता है आप लोगों के साथ।
मूवमेंट, यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इनको आपसे बात करने की। सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे लगता है ये पर्सन आपको कहीं देखता है, आपकी पिक्चर वगैरह या आप लोगों पर नज़र रखता है, दैट्स वाई आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। शायद यहाँ पर ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह आप लोग जो हो रहते हो, ठीक है, बट ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे लगता है यहाँ पर ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, यस, बट ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा ना एक्साइटेड है, काफ़ी पैशनेट है, आपसे बात करना चाहता है, दैट्स वाई ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपको लोगों की तरफ आने की, ठीक है। वन मोर कार्ड, देन वी हैव कॉन्फिडेंस, यस गाइस, ये पर्सन अपने कॉन्फिडेंस में आ रहा है, अपनी पावर में आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है, ताकि आप लोगों की तरफ आ सके, आप लोगों की तरफ एक्शन ले सके, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पैशनेट है, इस पर्सन को पैशन है कि स्ट्रॉन्ग हो के अपनी एनर्जी में स्ट्रॉन्गनेस ला के फिर ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेगा, आपसे बात करेगा और आपसे कम्युनिकेशन करेगा, बिकॉज आप इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं आप लोगों के दरमियान। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, आप लोगों को अपनी हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है गाइज, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखें, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर, यस, इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए चीज़ें, हर चीज़ बेटर हो जाएगी, बट उससे पहले आपको अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से नींद पूरी करें, ठीक है, सो या, और नियर फ्यूचर में चीज़ें बेटर होंगी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इस टाइम जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव ज़रूर होगी आपकी, और आपका इस पर्सन से यूनियन है, बिकॉज मुझे 999 की एनर्जी नज़र आ रही है कि एंडिंग होने वाली है आपके सेपरेशन की और जल्द ही आपका यूनियन होगा इस पर्सन से, ओके, सो या, दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।